Everyone. Welcome to Tiny Teen Channel. दूसरा जी हमारे पास कॉलेज आ जाता है पी आई एफ डी ये आई एम ग्रेजुएट एन एलेमनाफी तो पी आई एफ डी सैस फॉर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिजाइन विच इज़ ट्रूली वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड वेरी गुड इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान आफ्टर एन सी आई गेस दिस इज़ द वन के जिसका क्राइटेरिया uh, बहुत एक अच्छा है इनकी स्ट्रक्चर uh, जो है इनका वो बहुत अच्छा है और आउट लाइन कोर्स आउट लाइन और डिपार्टमेंट्स जो ये प्रोग्राम ऑफर करा रहे हैं वो भी बड़े वर्सीटाइल हैं क्योंकि ये चीज़ें कुछ डिपार्टमेंट्स इनके पास हैं जो कि यही करवा रहे हैं ठीक है और उसमें अगर आप अब फ़ाइन आर्ट्स अगर आपको शौक़ है ना तो आप एन जाओगे या पी जाओगे या एल जाओगे आप पी में अगर आपने आना है तो इट्स प्योरली अबाउट डिज़ाइन ठीक है और डिज़ाइन स्किल्स और अगर डिज़ाइन से रिलेटेड उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आ जा जाते हैं सबसे पहले फैशन एंड डिज़ाइन था इनके पास दिट इज़ वेरी फेमस और बहुत अरसे चलता आ रहा है फिर इनके पास है टेक्सटाइल डिपार्टमेंट टेक्सटाइल डिज़ाइन और फिर हमारे पास फर्नीचर डिज़ाइन डिपार्टमेंट है फर्नीचर डिज़ाइन के साथ साथ फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग भी है लाइक यू नो हाउ टू डिज़ाइन फर्नीचर पीसेस लेकिन फिर वो आपको उसी वर्कशॉप में प्रैक्टिकली करवाते भी हैं ये सेम uh, प्रोसेस होता है टेक्सटाइल में और फ़ैशन में अगर आप फैशन में हो तो आपको वो डिज़ाइन करना भी सिखाते हैं और फिर उसको प्रैक्टिकली मैन्यूफेक्चर uh, करना भी सिखाते हैं लाइक like सुइंग और ड्रेपिंग और वो सारी चीजें आपको बताएंगे फिर टेक्सटाइल में भी यही होता है कि वो आपको बिल्ड करना टेक्सटाइल खुद बिल्ड करना भी सिखाते हैं ठीक है फिर उसमें आ जाता है ज्वेलरी डिजाइन डिपार्टमेंट कि वो भी बहुत मज़े की एक फील है कि अगर आपने मेटल्स के साथ और आपको इंट्रिकेट स्मॉल क्योंकि ज्वेलरी का ऑब्वियसली एक स्केल थोड़ा छोटा है अगर आपको बड़ी चीज़ें और उसमें जाने का शौक है तो आप फर्नीचर में ऑब्वियसली चले जाओगे तो वो ज्वेलरी डिज़ाइन है फिर एक और डिपार्टमेंट है हमारा लेदर फुटवेयर एंड असेसरीज़ अब लेदर फुटवेयर एंड एसेसरीज़ उनके लिए क्या जी इनको शौक है बैग्स एंड शूज़ एंड लेदर असेसरीज जितनी भी होती हैं उसमें आपको बेसिकली लेदर का जो सारी जनरल नॉलेज बताते हैं उसको ट्रीट कैसे किया जाता है और उसकी पैटर्न मेकिंग वगैरह हर प्रोडक्ट uh, की फिर उसमें जब अगर आप उनके थीसिस डिस्प्ले पर जाओ ना तो यू विल फाइंड बैग्स, शूज लेदर जैकेट्स और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हम बना सकते हैं फैशन एसेसरीज बेसिकली तो वो सारी चीज़ों की स्टडीज इस डिपार्टमेंट होती है देन दे हैव फैशन मार्केटिंग येस फैशन मार्केटिंग जो है ना इट्स अबाउट आप एक फैशन ब्रांड है या टेक्सटाइल ब्रांड है रिलेटेड टू तो फैशन ठीक है उसको आप मार्केट किस तरह करते हो uh... अपनी मार्केट में आपके पास कंपटीटर्स हैं आप किस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करोगे कि हाँ भाई वी आर डिफरेंट देन अदर्स आप अपनी यूनिकनेस आप अपनी चीज़ बताते हो कि भाई हमारा स्पेसिफिकली प्रोडक्ट जो है वाई इज़ इट बेटर और वो उसकी मार्केटिंग के सारी उसमें डिटेल्स आ जाती हैं उसमें बिजनेस मैथ्स होता है और मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज और उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं देन वी हैव लास्ट बट नॉट द लीस्ट लीज से इज़ ऑल्सो वेरी वेरी नाइस लाइक क्लोजर टू इस कल्चरल क्योंकि उसमें आपको मिट्टी से खेलने का और उससे रिलेटेड जितने मटीरियल होते हैं और सरामिक्स एंड ग्लास है सॉरी ये उसमें आपको ग्लास का भी सिखाते हैं तो ये भी बड़ा मजे किया अगर आपने इधर एडमिशन लेना है तो सेम क्राइटेरिया आपको ड्रॉइंग आनी चाहिए आपका ड्राॅइंग टेस्ट होगा देन यूल हैव एप्टीट्यूड टेस्ट और फिर आपके पास आएगा जी यूल नीड अ गुड पोर्टफोलियो क्योंकि वो देखेंगे अगर आपके पास नहीं है तो फिर आ, वो आप कह लो कि वो टॉपिंग होती है ना हर चीज की तो वो कब के आप एक सादा ले जाओ और एक अच्छी टॉपिंग वाला ले जाओ तो फर्क तो होता है ना फिर तो आ, बच्चे तो पहले वो ही पकड़ेंगे ना टॉपिंग वाला तो बाद में सारे बेचारे सादे की बारी आ जाएगी तो इसलिए कहते हैं आपने जिस भी चीज़ में जाना है ना आप उसकी प्रेपरेशन पहले शुरू कर दो तो उसमें आपने क्या करना है जी आपके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो होगा अगर आपका एडमिशन हो गया है तो कंग्रेचुलेशन टू यू यू आर नाउ अ स्टूडेंट ऑफ पी आई एफ टी और उसमें रजिस्ट्रेशन फ़ी प्लस सेमेस्टर फ़ी मिला के आपकी ऑलमोस्ट टू हंड्रेड के के बराबर आपकी एक टाइम की फ़ी है ये उसके बाद आपकी सेमेस्टर वाइज फीस होगी विच इज़ वन फिफ्टी प्लस ठीक है मतलब वन फिफ्टी इनकी आई गेस फिक्स ट्यूशन फ़ी है इसमें मज़े की बात ये है कि जैसे एन में आपके पास इनके पास लिमिटेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स होते हैं ठीक है तो इसी तरह पी में वट यू कैन डू इज़ अप्लाई फॉर फाइनेंशियल एड और मैं आपको बताऊँ इफ़ यू आर एक्चुअली फिट फॉर दैट थिंग uh, तो आपको बड़े आराम से मिल जाता है उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि भई आपको फाइनेंशियल एड बड़े कम बच्चों को मिलती है दे आर वेरी हेल्पफुल इन दैट वे वी सी इज़ अ वेरी नाइस पर्सन और मैं आपको बताऊँ पी आई एफ की वी सी की एक बात कि शी रिमेंबर्स एवरी स्टूडेंट एंड देर थीसेज उनका टॉपिक पता होता है उनको हर चीज़ पता होती है तो अगर कोई बच्चा वाकई में टैलेंटिड uh, है हार्ड वर्किंग है उनका सी जी पी ऑब्वियसली जब फर्स्ट ईयर में आते हैं बच्चे अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो उनके पता चल जाता है टीचर्स को कि भाई कितना वज़न है इस चीज़ में तो वो फिर उस हिसाब से आपको आराम से फाइनेंशियल एड मिल जाती है आपको कुछ हद तक स्कॉलरशिप मिल जाता है और उसमें आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप ज़्यादा इस्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो आपको एक फॉर्म मिलता है उसको अपने फ़िल करना होता है दैन वी हैव पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट आर्ट एंड डिज़ाइन डिपार्टमेंट ओके मैं उसकी बात कर रही हूँ उसमें जो प्रोग्राम्स हैं सेम क्राइटेरिया आपका ड्राइंग टेस्ट होगा एप्टीट्यूड टेस्ट होगा देन यू विल लीड अ गुड पोर्टफोलियो और जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे आर्किटेक्चर है फाइन आर्ट्स है ग्राफिक है ग्राफिक आर्ट्स है और ग्राफिक डिज़ाइन है ग्राफिक आर्ट्स जो होता है वो प्रिंट मेकिंग से रिलेटेड होता है जो ग्राफिक डिज़ाइन है वो आपका दूसरी थोड़े से डिफरेंट है दैन दे हैव परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड म्यूजिकॉलॉजी जस्ट लाइक एन सी एंड दे ऑल्सो हैव स्कल्चर डिजाइन एंड टेक्सटाइल डिजाइन तो ये ये चीज़ें अगर आपने इन डिपार्टमेंट्स में जाना है तो फिर आपके पास पी की भी बहुत अच्छी ऑप्शन है वहाँ पे भी बहुत पुराने और बड़े अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं जो कि आपको इस चीज़ में सिखाएंगे सारी चीज़ें अगर आप सब क्लियर कर जाते हो और उधर एंटर हो जाते हो तो उनका जो यहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर है वो है वन के लाइक एक टाइम की जो आपकी होती है फ़ी वो है वन हंड्रेड के नहीं उनका पूरा ये पूरा पूरी uh, प्रोग्राम की उनकी फ़ीस है ठीक है लाइक दस लाख तकरीबन आपके लग जाएंगे और ये आपके ट्यूशन फ़ीस और ये सारी चीज़ों की है जो आपका मटेरियल वगैरह होता है वो आपको साथ साथ सेमेस्टर वाइज और uh, प्रोजेक्ट वाइज सब्जेक्ट वाइज़ ले जाना होता है फिर बात आ जाती है बी की बी है बीकन हाउस यूनिवर्सिटी ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और बड़े अच्छे प्रोग्राम्स आपको करा रहे हैं और ये बड़ा कॉन्फिडेंट और बड़े अच्छे आ, सेल्फ वर्थ आपको सिखा देते हैं स्टूडेंट्स को और बड़ा अच्छा उनका पोर्टफोलियो भी बन जाता है इनका भी सेम क्राइटेरिया है इनका एप्टीट्यू टेस्ट भी होता है और ड्राॅइंग टेस्ट भी होता है एक चीज़ जो तो मुझे डिफरेंस थोड़ी थोड़ी डिफरेंट लगी थी बी में मेरा एडमिशन हो गया था इधर लाइक आई वॉज सेलेक्टेड बट आई डिड नॉट गो देयर उसकी पर्सनल रीजन थी कि मैंने डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाना था तो उसमें मुझे जो डिफरेंट लगा था कि इनके एप्टीट्यूड टेस्ट में क्योंकि मैंने ओ लेवल्स नहीं किया था आई वॉज न ओ लेवल स्टूडेंट तो उससे रिलेटेड उनके जो नॉवल्स हैं और वो चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड वहाँ पे क्वेश्चन थे विच आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ ऑब्वियसली इफ़ यू आर अ बुक रीडर तो आपको पता होगा अगर आप नहीं हो तो ऑब्वियसली सिर्फ उन स्टूडेंट्स को पता होगा जी उन्होंने जो चीज़ें वो की हुई हैं ये मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा था बाकी वहाँ पे भी एडमिशन लेना इतना मुश्किल नहीं है बट देयर फी स्ट्रक्चर इज़ द बेट हाई जैसे पी का भी थोड़ा सा हाई है आपका एन का ऑलमोस्ट नॉर्मल है पी यू इज़ इकनॉमिकल और जो बी एन यू है आप उसकी चार सालों की बात करें तो जी आपका वो टू सेवेंटी फोर के से ऊपर जाता है ठीक है तो विच इज़ नियर टू ट्वेंटी सेवन लैक प्लस ठीक है और आपका मटेरियल वगैरह अलहदा है इंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं आपके वो हैं विजुअल आर्ट्स विजुअल कम्युनिकेशन टेक्सटाइल डिज़ाइन फैशन डिजाइन आर्किटेक्चरल और ज्वेलरी डिज़ाइन एंड एसेसरीज और इंटीरियर डिज़ाइन ये सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं ये बी वाले करवा रहे हैं अब हम आ जाते हैं जी यहाँ पर एल पे कि जो चाहते हैं और जिन्होंने खाली स्पेशली लड़कियों के लिए है कि जिन्होंने सिर्फ पढ़ना है कि जी हम को एजुकेशन में नहीं पढ़ना चाह रहे हैं या फिर इवन आपकी जगह का हो सकता है कि हमारे करीब ये कॉलेज है तो एल सी डब्ल्यू यू इज़ अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी आई डिड माई इंटरमीडिएट फ्रॉम देयर इन फाइन आर्ट्स और मैं आपको बताऊँ बहुत अच्छे टीचर्स हैं वहाँ पे वहाँ पर तब का तो अब थोड़ा डिफरेंट हो गया होगा बट उनका भी कोर्स आउटलाइन बहुत अच्छी थी तो एल सी डब्ल्यू यू में अगर आपने एडमिशन लेना है तो वो वहाँ पे भी ड्राइंग टेस्ट होता है आपका ठीक है और सेम uh, क्राइटेरिया है आपका वहाँ वो काफ़ी आपका जो है इकोनॉमिकल है आपका फिफ्टी एट के वन टाइम फ़ी है जो एडमिशन फ़ी और ट्यूशन फ़ी मिलाकर है और ट्वेंटी थाउजेंड पर सेमेस्टर आपकी फ़ी है ऑलमोस्ट ये मैं आपको आ, जो है लम सम बता रही हूँ बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं आपको पता चेंज होता रहता है इकनॉमिक कंडीशन uh, के हिसाब से तो यूनिवर्सिटी ऑफ एल है यहाँ पर हमारा होता है जी आर्किटेक्चर इंटीरियर डिज़ाइन टेक्सटाइल डिज़ाइन और स्कल्पचर एंड मिनिएचर डिज़ाइन ठीक है तो ये सारी चीज़ें हैं जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे भी हैं आप अपने नीचे लिंक में प्लीज चेक करें तो हम आपको उसमें सारे लिंक्स दे रहे हैं आप उन पेजेस पर जाएं जो भी आपको यूनिवर्सिटी क्लिक करती है आपके करीब है आपकी क्राइटेरिया पर उतरती है आपकी डिटेल्स सारी उसमें आ जाएंगी ठीक है अब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स लाहौर यू उनका जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें भी सेम क्राइटेरिया होता है एडमिशन का और आपको आर्किटेक्चर है इंटीरियर डिज़ाइन है देन क्रिएटिव आर्ट्स है और इनकी जो फ़ी है ये वन हंड्रेड लाइक आपको पूरे चार सालों का तकरीबन दस लाख रुपया लमसम जो है इसके करीब करीब आपकी जो है पैसे लगेंगे ठीक है फिर हमारे पास आ जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड कल्चर जो इस्लाम में हमारा है यहाँ पे आपका आर्किटेक्चर है आर्किटेक्चर डिज़ाइन स्कूल आ, इसमें डिजिटल एंड सीनेमेटिक आर्ट है और इंटीरियर डिज़ाइन है ग्राफिक्स है टेक्सटाइल डिज़ाइन है एंड फैशन डिज़ाइन है इसके जो आप कह लें कि फ़ी स्ट्रक्चर है ये भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ये भी आपका तकरीबन आप कह लें कि स्टार्ट होता है तेरह लाख से ये डिपार्टमेंट वाइज आपका वैरी करेगा तेरह लाख से बीस लाख तक चार साल की आपकी जो है एक्सपेंस होगा आपका ये फ़ी के हिसाब से ठीक है और एक लास्ट जो हमारा रह गया है वो कराची

तो ये आपका जो है बेसिक जो हमने यहाँ पर देखे हैं कि जो ये ये यूनिवर्सिटीज़ हैं इनका ये, ये, है ये क्राइटेरिया है अगर आपने आर्ट एंड डिज़ाइन की किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना है आप बस दिल लगा के ड्राइंग की बहुत प्रैक्टिस करें क्योंकि जब भी आप आर्ट एंड डिज़ाइन में जाते हुए मैं हमेशा बात करती हूँ कि आर्ट एंड डिज़ाइन में जाने के लिए जो मेन कम्युनिकेशन है अगर आपको किसी से बोलना नहीं आएगा ना बात करनी नहीं आएगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकोगे तो आर्ट एंड डिज़ाइन में ये बात बोलने वाली जो है ना ये ड्राइंग से होती है तो अगर आपको ड्राइंग नहीं आती ना तो भी वो आपको ले ही नहीं सकेंगे तो सबसे पहला क्राइटेरिया ये है फिर आपका क्राइटेरिया है नॉलेज का जो ना नॉलेज का आपको, आपको आर्ट एंड डिज़ाइन के बारे में जानना भी ज़रूरी है आप देखो पाकिस्तान के कौन से आर्टिस्ट रह चुके हैं आपको इसकी प्रेपरेशन के लिए डिफरेंट स्टूडियोज़ में आप एडमिशन ले सकते हो वो आपको बड़ी अच्छी तैयारी करा देते हैं आपको बताते हैं किस तरह के क्वेश्चन आएंगे जब मैंने एडमिशन लिया था तो उसमें मोस्टली ये होता है कि जी आपको डिफरेंट बिल्डिंग्स का डिफरेंट आर्किटेक्ट के नाम आने चाहिए डिफरेंट आर्टिस्ट के नाम पता होने चाहिए और उनका काम क्या होता है वो भी पता होना चाहिए तो ये जनरल नॉलेज इसकी आपको तैयारी के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है जैसे हम मेट्रिक के बाद या इंटर के बाद हमें जो छुट्टियाँ होती हैं तीन चार माह दैट इज मोर देन ए नाफ अगर आप बाकी दिल लगा के वो प्रैक्टिस करती हो अगर आपका पिछला आर्ट का बैकग्राउंड नहीं भी है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल आप अगर इसको फॉलो करो क्राइटेरिया को तो यू विल बी एबल टू गेट एडमिशन इन एनी ऑफ़ दीज गुड यूनिवर्सिटीज़ इसके अलावा भी और बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वो आप ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हो आपकी लोकेशन के हिसाब से आपको मिल जाएंगे तो जी ये हमारा वीडियो करने का ये मकसद था कि आपको क्लियर किया जाए क्योंकि अक्सर लोगों को पता होता है कि भाई हमने ये ये यूनिवर्सिटी मोटी मोटी पता होता है लेकिन उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं ये नहीं पता होता फिर उनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं लाइक कितने पैसे लगेंगे भाई मां बाप तो ये सवाल पूछेंगे ना तो वो क्या है तो हमारा ये क्लियर करने का मकसद था अब हम आपको सारे लिंक्स नीचे दे रहे हैं आप उन पर जाएँ मज़ीद डिटेल्स के लिए एंड आई रियली होप दैट दिस हेल्प्स यू गेट प्रिपेयर्ड गेट वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर इंस्टीट्यूट एडमिशन और बैचलर्स प्रोग्राम तो विश यू ऑल द बेस्ट और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफ बाय